प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में आपके व्याकरण पाठ से जाना था सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आज कुछ आगे बढ़ते हैं और उसके आगे वाले अंश का पठन करेंगे। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल लीजिए और पृष्ठ संख्या 51 देखिए। यहाँ पर है सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदले जाते हैं। बच्चों, हम लोगों ने इससे आगे वाले पाठ में पढ़ा था वचन किसे कहते हैं। वहाँ पर संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन थे। आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों, एक वचन और बहुवचन क्या है? एक वचन यानी एक और बहुवचन यानी एक से अधिक। ठीक है, एक वचन है एक और बहुवचन है एक से अधिक। तो चलिए आइए देखते हैं सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन क्या है। तो देखिए, एक वचन और बहुवचन, तो जैसे पहला शब्द सर्वनाम शब्द क्या है? मैं। मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं यानी एक और हम यानी एक से अधिक। तो मैं का हम, ठीक है, मैं का हम। अब देखिए उसके बाद मेरा। मेरा एक वचन है और मेरा का बहुवचन हमारा। ठीक है, उसी प्रकार मुझे। मुझे का हमें, मैंने का क्या होगा? हमने। ठीक है, उसी प्रकार देखिए तू। तू है एक वचन और तुम है बहुवचन। ठीक है, तेरा। तेरा का तुम्हारा। तूने। तूने एक वचन है, तुमने क्या है? बहुवचन है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यह। यह एक वचन और यह का ये बहुवचन। इसका। इसका का इनका बहुवचन। इसे एक वचन है, इसे का इन्हें। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इसने। इसने का इन्होंने। उसी प्रकार देखिए बच्चों वह। वह है एक वचन, वह का होता है वे बहुवचन में वे। उसका। उसका एक वचन होगा और उसका का बहुवचन उनका। ठीक है, उसी प्रकार देखिए उसे। उसे का बहुवचन उन्हें। उसने का बहुवचन उन्होंने। ठीक है, उसी प्रकार देखिए कोई। कोई एक वचन है, कोई का बहुवचन किन्हें। अब देखिए जिसे। जिसे एक वचन, जिन्हें बहुवचन। किसका एक वचन, किसका का क्या होगा? किन का। इस प्रकार से सर्वनाम शब्द के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो आपको यह एक वचन और बहुवचन याद कर लेने हैं। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग एक नए अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।